नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कोरल डॉ के अंदर हम इस प्रकार के तिरंगा टाइप का बैच कैसे ड्रॉ करें। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है दोस्तों, तो हम उसके लिए थोड़ा स्पेशल बनाते हैं। तो इस प्रकार के तिरंगा कलर का बैच बनाने के लिए हम कैसे कैसे ऑप्शंस यूज करें, किस वे में हमें बनाना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ऐसे ही और अलग अलग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम इस शेप को छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे लेते हैं हमें एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। पिक टूल से रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ऊपर की ओर सेट करेंगे ऐसे। रेक्टेंगल बनने के बाद इसको हम कलर कर देते हैं, ये वाला कलर। और यहाँ से लेते हैं इंट्रैक्टिव फील टूल, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है फाउंटेन फील, और यहाँ से हम कर देंगे रेडियल, तो हमारा शेप थोड़ा रेडियल हो जाएगा। इस वाले व्हाइट वाले सर्कल को थोड़ा सा अच्छे से मूव करेंगे तो सर्कल टाइप का दिखेगा। इसको इस प्रकार से हम मूवमेंट देंगे ऐसे। मूवमेंट देने के बाद अब हम यहाँ पे लेंगे एक सर्कल, कंट्रोल के साथ सर्कल को हमें ड्रॉ करना है ऐसे। सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, सर्कल को हमें यहाँ पे सेट करना है। सर्कल को सेंटर पे सेट करने के बाद अब हम बनाएंगे इसके अंदर, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। अब बनाएंगे इसके अंदर ये वाली शेप, उसके लिए लेंगे हम पहले रेक्टेंगल, कंट्रोल के साथ रेक्टेंगल को ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहीं से ले लेते हैं हम पॉलीगन टूल से ही हमें रेक्टेंगल ले लेना है। यहाँ पे फोर कर देंगे तो रेक्टेंगल अपने आप बन जाएगा। और यहाँ से जो शेप टूल है इस पर पहले क्लिक करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं। अब ये शेप टूल के ऑप्शन है ना, इस शेप टूल के ऑप्शन से इन दोनों शेप को हम कर देंगे डिलीट, और इन दोनों ऑप्शन को डबल क्लिक करेंगे तो हमारी शेप ऐसे बन जाएगी। शेप बनने के बाद इस शेप को हमें क्लिक करना है और इस प्रकार से वर्टिकल मूव करना है, तो शेप हमारी ऐसे दिखेगी। इसको ला के हमें यहाँ पर सेट कर देंगे ऐसे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं इस प्रकार से, और शिफ्ट के साथ इसको इस प्रकार से हमें छोटा करना है ऐसे। इस प्रकार से इसके सेंटर में सेट कर देंगे सर्कल को, और कंट्रोल के साथ सर्कल को हम बड़ा कर देंगे ऐसे। इस प्रकार से हमें बड़ा कर देना है सर्कल को, सर्कल पे क्लिक करते हैं और यहाँ से लाके इसके सेंटर में हमें इस प्रकार से सेट करना है। सेम सर्कल पे क्लिक करके यहाँ से भी लाइन लाके हमें सर्कल के सेंटर पे इस प्रकार से सेट करेंगे। यहाँ से लाइन को थोड़ा सा हमें छोटा करना है ऐसे। सर्कल के सेंटर को लाके इसके सेंटर पे ऐसे एडजस्ट करना है, देन इसको हम करेंगे रोटेट, बिना लेफ्ट क्लिक छोड़े राइट क्लिक में मूव कर देना है और कंट्रोल आर हमें प्रेस करना है, तो ये रिपीटेड मूव होने लगेगा। करने के बाद यहाँ से हम शेप टूल लेते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ थोड़ा जॉइंट करा देते हैं ऐसे। इस प्रकार से जॉइंट करा देंगे। अब हम सर्कल को कलर करेंगे, सबसे पहले इस सर्कल को कलर करते हैं, ऑरेंज कर देते हैं और इंट्रैक्टिव फील टूल से इसको इंट्रैक्टिव कर देते हैं ऐसे। लाइन बनाएंगे, यहाँ पे भी ऑरेंज लेंगे और एक हिस्सा इसका कर देते हैं हम येलो। इस प्रकार से बनाना है और शेप को इस प्रकार से हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ से लेंगे हम एट्रीब्यूटिव आई ड्रॉप टूल, इससे हमें कलर को कॉपी करना है और यहाँ पे इस प्रकार से इसको कलर करना है। कलर करने के बाद अब आ रही है व्हाइट कलर करने की, इंट्रैक्टिव फील टूल लेंगे और इस वाले शेप पे क्लिक करके इसको करेंगे हम व्हाइट कलर। ऊपर वाले हिस्से को करते हैं ग्रे, इस टाइप का ग्रे ऐसे। अब सेम हमें इंट्रैक्टिव एट्रीब्यूटिव फील टूल लेना है, कलर उठाना है, यहाँ पे डालना है इस प्रकार से, हो गया। अब लेंगे इसके नीचे हम ग्रीन कलर, ग्रीन कलर लेने के लिए यहाँ पे हम ऐसे व्हाइट कलर फील कर देते हैं इंट्रैक्टिव फील टूल से,
इसका हम कलर का डायरेक्शन चेंज करने से देते, जैसे कि एक कलर पे क्लिक करके हम यहाँ से डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं और एक शेप पे क्लिक करके इसको लाइट ग्रीन कर देते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से लाइट ग्रीन कर लेंगे। वही एट्रीब्यूट फिल टूल से कलर फिल करेंगे इसके ऊपर। इस प्रकार से कलर भर लेंगे। देन ये जो हमारा सर्कल है बाहर, सर्कल को शिफ्ट के साथ हमें छोटा करना है और इसको लाके हमें सेंटर पे सेट कर देना है ऐसे। कंट्रोल पेज अब से इसको ऊपर कर लेंगे इस प्रकार से और इसको कर देंगे हम वाइट कलर। इस प्रकार से कर लेंगे। वाइट कलर करने के बाद इसके अंदर हमें अशोक चक्र को सेट करना है, तो कंट्रोल आई करके अशोक चक्र में इंपोर्ट कर लेती हूँ। आप लोगों ने भी अशोक चक्र देखा होगा, हमारे अशोक चक्र की वीडियो, एक और अशोक चक्र की वीडियो अपलोड करी हुई है कॉरल ड्रॉ के अंदर, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखें और सीखें कैसे बनाए जाते हैं अशोक चक्र। इस पर मैं सिलेक्ट करके इसको इम्पोर्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे इम्पोर्ट करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ मुझे छोटा करना है और इसको लाके इस शेप के अंदर इसी प्रकार से छोटा कर लेते सबसे पहले, और शिफ्ट के साथ इस वाले शेप पे क्लिक करके सेम हमें ESC करना है, तो पूरा एक्यूरेट सेंटर पे जाके वो सर्कल सेट हो जाएगा। अब सेंटर वाले सर्कल को हमें क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ बड़ा करना है थोड़ा सा इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद अब हमें यहाँ पे बनानी है इसकी रिबन्स वगैरह बनानी है। उसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक रेक्टेंगल जिसको कि हमें इस प्रकार से ड्रॉ करना है। कंट्रोल क्यू कर लेना है, शेप टूल लेंगे। अब इस पॉइंट को रेक्टेंगल के इस पॉइंट के अंदर हमें एक और बीच में एक पॉइंट बनाना है, उसको हमें ऊपर की ओर इस प्रकार से मूव करना है और इस रेक्टेंगल को इस प्रकार से सेट करेंगे। इसको कर देंगे हम ये वाला कलर और शेप टूल से इसको मूव करेंगे हम इस साइड, कॉपी पेस्ट करके मूव करें हमें इस साइड। इसको मूव करने के बाद इसको इस प्रकार से थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करेंगे और इसको जॉइंट करेंगे ऐसे। सेम वे में इसको भी कॉपी पेस्ट करके इस साइड लाना है, रोटेट करेंगे इसको इस साइड, थोड़ा सा रोटेट करते इस प्रकार से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है, इस वाले शेप पे क्लिक करके इस प्रकार से हम इसको मूव करेंगे। ऊपर वाले शेप को क्लिक करके इसको यहाँ से ग्रे कर देंगे और नीचे वाले को हमें इसको वाइट कर देंगे। इस वाले शेप को भी सेम हमें क्लिक करना है, ऊपर वाले शेप को येलो करेंगे, नीचे वाले शेप को करेंगे ऑरेंज। सेम इस वाले शेप को भी मूव करना है, लाइट ग्रीन करेंगे और नीचे वाले शेप को कर देंगे यहाँ से डार्क ग्रीन। क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद पिक टूल लेंगे और इन सारे शेप को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल पेज डाउन कर देंगे। इस प्रकार से सेट हो जाएगा। डाउन होने के बाद अब सारे शेप को हमें इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम नो फिल पे आउटलाइन पे राइट क्लिक कर देंगे तो इसकी जो आउटलाइन है वो नो आउटलाइन हो जाएगी और इसको यहाँ पे अंदर की ओर सेट करेंगे। कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और शिफ्ट के साथ हल्का सा बड़ा करेंगे इसको इस प्रकार से। शेप को भी हमें थोड़ा बड़ा कर लेना है। और इस शेप को हम यहाँ पे साइड में कर देते हैं। शिफ्ट के साथ दोनों शेप को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे और इसको सेंटर की ओर रखेंगे ऐसे। ये जो लाइन है बाहर की लाइन, इसको हम कर देते हैं डिलीट। सेम इस लाइन को भी हम कर देंगे डिलीट। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी तिरंगा वाली बैच रेडी है। उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन पर हमें ज़रूर बताएं आगे आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। थैंक यू। We'll be right back.